न्यूरोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर को इन्फॉर्म करो। डॉक्टर मूर्ति सर, यस डॉक्टर लिमय मैडम ने आईसीयू 6 में बुलाया है। मैडम एक्सीडेंट केस आई है। ओह, आपको सुबह जल्दी बुलाया है। थैंक यू। पैसा लगेगा क्या किडनी खरीदने को? नहीं नहीं, ये तो अपनी इच्छा से दिया हुआ दान होता है, इसमें सौदेबाजी का सवाल ही नहीं होता। चाची, पहले हमें रुखसाना के कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और फिर वेटिंग लिस्ट में उसका नाम डलवा देंगे। अच्छा, ठीक है ना? अगर बचने का मौका मिल जाए बच्चे को तो यकीनन डॉक्टर बनेगी और कितनों की जान बचाएगी। अरे आओ रुखसाना, आओ। इतने बढ़िया मार्क्स मिले हैं तुम्हें, 98%। हम रुखसाना के लिए जरूर कुछ करेंगे, तुम जरूर डॉक्टर बन जाओगे। लड़का है, हेड इंजरी, सुमेध अग्निहोत्री। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर मूर्ति, आईसीयू 6 में है और पुलिस वहाँ खड़ी है। मैं डॉक्टर मूर्ति से पूछती हूँ कि सेकेंड हियरिंग हुआ है कि नहीं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। आ गई आप? जी सर। कैसी हालत है? सर आपने पेशेंट के रिश्तेदारों को बता दिया है ना? जब तक वेंटिलेटर चलता रहता है पेशेंट के रिश्तेदार हमारी बातें तो सुन लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। आप पेशेंट के मामा के साथ बात करके देखिए। यहाँ पर सुमेध अग्निहोत्री के रिश्तेदार कौन है? जी मैं हूँ, सुमेध अग्निहोत्री का मामा वीरेंद्र कश्यप। नमस्ते। सुमेध के मतलब पेशेंट की माँ मुंबई में है, वो डॉक्टर है। मैंने उसको फोन कर दिया, वो निकल चुकी है, एक आध घंटे में पहुँच जाएंगे। आप इन्हें सब जानकारी दे दीजिए और उसके बाद मेरे केबिन में आ जाइए। जी जी। स्वाति, आलोक कहाँ है? He's in a terrible shock. कुछ बोल नहीं रहा है। No, no, let him be. क्या लगा नहीं फोन सुमेध को? प्रॉब्लम होगा ना नेटवर्क का वहाँ।
रिलैक्स। अगर एक बार सुमित से बात हो जाती, बात हो भी जाती तो वो मुझे डांट देता, जस्ट चिल मॉम, बेकार में आप टेंशन लेते हो। आई थिंक दो तीन दिन उसको बंबई ले चलते हैं, जरा घर पे रिलैक्स करेगा। मालती, हेलो, हाँ हाँ निकल गए, हाँ प्रदीप भैया साथ है। नहीं, बात नहीं हो पाई अभी, मगर वीरेन कह रहे हैं सब ठीक है, इट्स टेंशन की बात नहीं है। हाँ उसका दोस्त था साथ में आलोक, नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, उसने हेलमेट पहना था ना, स्पीड का आकर्षण बिल्कुल जिस, इट्स लाइक मैडनेस। हेलो बैठिए, जरा आलोक को बुलाना। आलोक, पेशेंट का नाम सुमेद अग्निहोत्री, जात नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं, ये उसका आईडी। ये मोबाइल, व्यवसाय शिक्षा, पुणे यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। पिता का नाम राघव अग्निहोत्री, वे अब नहीं रहे, वे भी डॉक्टर थे। माता का नाम, माँ डॉक्टर वेणु अग्निहोत्री, सुमेध की माँ का भाई हूँ मैं, सुमेध भांजा है मेरा। सुमेध के पिताजी को गुजरे लगभग 18 साल हो गए किडनी फेलियर से। हेलो 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 वीरेन, सुनाई दे रहा है? दीदी मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ देखो, अगर सुमेध को ब्लड की जरूरत हो ना, सुमेध को ब्लीडिंग तो ज्यादा नहीं हुई ना? नहीं, उसे डोनर मिलना मुश्किल है। हेलो हेलो हेलो, मेरे पुणे जाने से तुम्हें क्या तकलीफ है माँ? आलोक भी जा रहा है, और अगर मैं और दूर चला गया तो क्या कर लोगी तुम? अरे ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप आ जाइए। यस यस यस, ठीक है, थैंक गॉड, बाल बाल बच गया। वो डॉक्टर कह रहे थे कुछ सदमा पहुँचा है उसके ब्रेन को, अनकॉन्शियस है, कुछ ब्रेन स्टेम ऐसी कुछ मेडिकल टर्म की इस्तेमाल की उन्होंने, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। घबराना मत, कभी कभी ये डॉक्टर ज़्यादा ही पैनिक करते हैं, पता नहीं शायद मैं अलर्ट करने के लिए। वही तो, उसके बदन पे कोई इंजरीज नहीं, वैसे मतलब हाथ पर थोड़ी बहुत खरोच होगी बस ज़्यादा नहीं, कॉन्शियस होने पर हंगामा शुरू हो जाएगा उसका, और क्या, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है। दीदी निकल चुके हैं, पहुँचती होगी अभी। अकेली आ रही है? नहीं नहीं, सुमित के बड़े चाचा प्रदीप भैया हैं उसके साथ। हाँ वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मिले उनसे। कह रहा है कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, मगर यू नेवर नो, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव ग्रुप का डोनर मिलना बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, पर अभी से उसके बारे में क्या फ़ायदा परेशान हो, और इस उम्र के लड़के पर गुस्सा भी नहीं किया जाता, जो भी है तुम्हें ही संभालना होगा, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अगले महीने 15 तारीख को आ जाइए, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।
वेटिंग लिस्ट की फाइल। रुखसाना की माँ को फोन करे? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो जल्दबाजी होगी। पेशेंट के नज़दीकी रिश्तेदारों की पूरी परमिशन मिलने दो, क्लियर मैचिंग होने दो, उसके बाद ही रुखसाना को फ़ोन करना ठीक रहेगा, है ना? ठीक कह रही है। वो अग्निहोत्री के रिश्तेदार आए हैं बाहर। दिस वे। सोशल वर्कर से क्यों मिलने जा रहे हैं वो? प्लीज स्वाति, ये फाइल जरा पेडियाट्रिक में दे देना प्लीज। इन्होंने कहा सोशल वर्कर मैडम को मिलना है, पर हम कोई असिस्टेंस वगैरह नहीं चाहते हैं। सुमेत कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, उसकी माँ खुद डॉक्टर है, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं वो बात नहीं है। अगर आप किसी न्यूरोसर्जन को मुंबई से बुलवाना चाहते हैं तो बताइए। वैसे सुमेत की माँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पर उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स इस फील्ड में। गिरगांव में उसकी अपनी थंपिंग प्रैक्टिस भी है। ओह आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कुछ और कहने जा रही थी। मतलब? सारी टेस्ट्स करने के बाद डॉक्टर मूर्ति ने सुमित को, हाँ बताया था उन्होंने, लेकिन मैं नहीं मानता। जिन्होंने सुमित को पहले अटेंड किया था उन डॉक्टर थॉमस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनसे पूछा भी। नहीं नहीं, डॉक्टर मूर्ति ने रूल्स के मुताबिक पहली जांच के 6 घंटे बाद फिर एक बार जाँच करके इस बात को कन्फर्म भी किया है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? सुमित के सर के अंदर एक गहरा जख्म हुआ है जो बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन उस जख्म की वजह से सुमित का ब्रेन डेड हो चुका है। मगर ये कैसे मुमकिन होगा, वो अभी भी सांस ले रहा है। हाँ लेकिन वो मशीन्स की वजह से। क्या कह रही हैं आप? का इकलौता पिता नहीं, आप कुछ भी करके उसे बचाइए डॉक्टर प्लीज। आज साइंस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम चाहे जितना भी खर्च कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर, डॉक्टर मूर्ति जो कि न्यूरोसर्जन है और इंटेंसिविस्ट तारा लिमय की पूरी टीम ने सुमित के लिए जो कुछ भी मुमकिन था वो सारे उपाय किए हैं। चाहे आप उसे विदेश ले जाइए ना, या तो वहां से डॉक्टर्स बुलवा लीजिए। डू समथिंग प्लीज। नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। तो क्या ये बताने के लिए आपने मुझे यहां बुलवाया था? तो फिर वो बाहर फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए कि मुझे कुछ नहीं सुना, आप कुछ भयंकर और अजीब बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये डॉक्टर लोग? रास्ते पे इतनी वही ना,
और ऐसे जैसे क्या हुआ क्या हुआ? मैं समझता था सुमित कोमा में, ये तो कुछ और ही बात कर रही है। मैं देखता हूं। आप कश्यप जी को कुछ बता रही थी? आप? मैं मंदार देशमुख, सुमित का चाचा ही समझिए। मैं कश्यप जी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मशीन्स की वजह से उसका हार्ट चल रहा है, ऑर्गन्स की ओर खून पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी सुमित जिंदा नहीं है। क्या? मतलब इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ अचानक खत्म? सुमित अब वापस जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतनी छोटी उम्र में उसकी जिंदगी बेकार गई है मानने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? अगर आप सुमित की माँ से विनती करें कि वे उसके अवयव दान करें। ये क्या कह रही आप? देखिए, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, नाकाम पुर्जों की जगह तंदुरुस्त अवयवों को बिठाया जा सकता है। ये भयानक बात हम उसे माँ से करें भी तो कैसे करें? तो उससे कुछ मरीजों को फिर नई जिंदगी दी जा सकती है। हमसे नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, ये बात तो उसके माँ के आने के बाद करना ही बेहतर होगा। विरेन, क्या कहा? वो जो मैडम है। डॉक्टर, कुछ पूछना है? जी, पेशेंट। देखिए, डॉक्टर मूर्ति ट्रीटिंग कंसल्टेंट हैं, चाहे तो आप उनसे बात करें। जी। I'm sorry, but yes. This is called brainstem death. ये क्या कह रहे हैं आप लोग? उसका ब्रेन मर चुका है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि उसके अवयव काम में ला सकते हैं, किसी और के लिए दान कीजिए। अब किसी एक के शरीर के अवयव किसी तीसरे के शरीर में जिंदा रहकर कैसे काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हर एक के अवयव हर तीसरे व्यक्ति के साथ मैच होंगे। कुछ लोगों के अवयव दूसरों के साथ मैच होते हैं। कितना भयानक है ये सब। अपनी बहन से मैं उसके इकलौते बच्चे के बारे में ऐसी बात अपने मुंह से कैसे निकालूं? और सुमित के जीते जी आप उसके अवयव उसके शरीर से निकालेंगे, क्या ये गुनाह नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये बाकायदा है। उसकी सांस चल रही है, उसका क्या? उसका कोमा? नहीं नहीं, इसी कोमा एक किस्म की बेहोशी है। सुमित बेहोश नहीं है, केवल मशीन्स की वजह से वो जिंदा लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है। ये कैसी बात है ये? बाहर चलो, मैं तुम्हें समझाता। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। ये लोग सुमित के जीते जी क्यों हमारे पीछे पड़े हैं?
एक मुर्दा आदमी के अवयव निकालने के बजाय सांस लेते हुए बच्चे के अंग निकालने से क्या मिलेगा इनको? क्या कह रहे हो? मतलब लड़का? Yes, almost. अरे भाई, अवयव दान सिर्फ ब्रेन डेड वाला आदमी ही कर सकता है, जिसका मस्तिष्क मर चुका हो लेकिन बाकी अवयव अभी जिंदा है. तो किसी दूसरे बीमार शरीर पर जिंदा अवयव का ही कलम होगा ना, मुर्दा का तो नहीं. इसलिए उनकी जल्दबाजी चल रही है. बिल्कुल, यही तो वो हमें समझा रहे हैं. और मैं दीदी को तो ये तक नहीं बता पाया कि वो अनकॉन्शियस है. उसकी ये स्थिति तक नहीं बता पाया मैं. ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली बात कैसे करूं मैं उससे? घबराओ नहीं, कुछ सोचते हैं. साहब, राव मैडम बुला रही है, दूसरे माले. जी नहीं, ऐसे नहीं होता है जी. हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है. हाँ, और हमारी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है. नहीं नहीं, देखिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है. ऐसे मामलों में हम नियमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी. प्लीज़ डॉक्टर है, डॉक्टर वी एस मूर्ति. लेकिन मूर्ति सर भी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जी. क्या मैं आपको आधे घंटे बाद फोन कर सकती हूँ? या थैंक यू, आधे घंटे बाद जी. सॉरी मैडम, आपको ऐसा नहीं लग रहा आप खामोखा जल्दबाजी कर रही हैं? कभी कभी तो भगवान ने चाहा तो कुछ मेडिकल वे भी कर दिखाते हैं. आप भगवान में मानती हैं या नहीं? ठीक है, भगवान ना सही, आप साइंस को तो मानती हैं या नहीं? कभी कभी साइंस भी तो मिरेकल कर सकता है. कश्यप जी, मैं आपकी चिंता को समझ सकती हूँ, लेकिन विज्ञान ने भी हमारे सारे सवालों के जवाब कहाँ दिए हैं? नहीं तो हम मौत को भी काबू में कर लेते. नहीं, और भगवान उसूलों में भी तो रहते हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? इसीलिए तो जब हम स्वार्थ से परे जाकर किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है. यस, एक मृत आदमी के अवयवों को बिठाकर किसी दूसरे की जान बचाने का टेक्निक, ये विज्ञान की करतूत मानी जा सकती है. लेकिन जब हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार की जान जा रही हो, उस वक्त किसी दूसरे की जान बचाने की इच्छा, ये इच्छा विज्ञान नहीं देता. आई थिंक इट्स अ मिरेकल, इज इट नॉट? कोई आदमी मरते हुए किसी दूसरे को जीवन का दान देकर जाता है, जिंदगी फिर से उभर आती है. इसमें भी भगवान का वास होता होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? I'm sorry. मैं आपके मन की स्थिति समझ सकती हूँ. आप पर जो गुजर रही हो किसी दूसरे पर ना गुजरे, ऐसा ही आप अभी सोच रहे होंगे. लेकिन आप पेशेंट के माँ या पिताजी नहीं हैं, इसलिए मैं ये सब पेचीदा बातें आपसे खुलकर करने की कोशिश कर रही हूँ. और इसके बारे में कायदा भी है, आप तो जानते होंगे, आप वकील हैं. मैडम, दिमाग चाहता कुछ और है और सोचता कुछ और है. एक बात पूछूं? आप शांति से सोचकर बताइए. अगर आप देने वाले के बजाय लेने वाले की जगह होते तो? सपोज डॉक्टर मूर्ति आपको बताते कि
किसी दूसरे के ऑर्गन्स बिठाकर सुमेध की जान बचाई जा सकती है, तब आप क्या करते हैं? ना कहते? इस वक्त आप देने वाले की जगह हैं। Thank you.